नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 118,400 के पार निकल गई। उधर राहत की खबर, अब 30 दिन पहले करा सकेंगे स्पेशल ट्रेनों में टिकट बुक। उधर चक्रवाती तूफान अम्फान मचा सकता है भारत में भारी तबाही। पश्चिम बंगाल में 1.6 करोड़ बच्चों पर खतरा। उधर जोमेटो और स्विगी ने शुरू की शराब की होम डिलीवरी। उधर 1 जून से गोरखपुर से चलेंगी 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। उधर ट्रेन चलने के साथ रेलवे स्टेशन पर शुरू होंगी ये खास सर्विस, यात्रियों को आसान होगा सफर। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली जान से मारने की धमकी, लखनऊ में हुआ केस दर्ज। उधर मध्य प्रदेश में अब बस के द्वारा नहीं आएगी बारात, जाने क्यों एक दुल्हन के चलते सरकार ने बदल दिए ये नियम। उधर टिकटॉक पर बैन को लेकर समर्थन में उतरे मुकेश खन्ना, कहा ये कोरोना की तरह चाइनीज वायरस। उधर बेबस मजदूरों की बस पर सियासत और तेज, प्रयागराज के कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति को लिखी खून से चिट्ठी। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 118,447 हो गई, जिसमें से 3,583 लोगों ने अभी तक अपनी जान गंवा दी है। और अच्छी बात यह है कि अभी तक 48,533 मरीज बिल्कुल ठीक हो गए। वह अगली बड़ी खबर, राहत की खबर, अब 30 दिन पहले करा सकेंगे स्पेशल ट्रेनों में टिकट बुकिंग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच देश भर में फंसे लोगों को अपने अपने घर पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे ने विशेष राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई हुई है। आपको बता दें कि हालांकि अभी तक इन ट्रेनों के लिए एडवांस बुकिंग मात्र 7 दिन पहले की जाती थी, मगर अब नए आदेश के मुताबिक 30 दिन पहले तक इन ट्रेनों में टिकट बुकिंग कराई जा सकती है। आपको बता दें कि रेल मंत्रालय के कार्यकारी निदेशक राजेश दत्त वाजपेयी के मुताबिक अभी इन स्पेशल ट्रेनों में तत्काल बुकिंग की अनुमति नहीं होगी। आगे के दिशा निर्देशों के मुताबिक इन ट्रेनों में आरएसी या फिर वेटिंग लिस्ट टिकट जारी किए जाएंगे। बता दें कि पहले जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक राजधानी विशेष ट्रेनों की एडवांस बुकिंग मात्र 7 दिन पहले ही हो सकती थी, मगर अब 30 दिन पहले हो सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले भारतीय रेलवे ने लॉकडाउन में फंसे लोगों को बड़ी राहत देते हुए ऑनलाइन के अलावा स्टेशन काउंटर से भी आरक्षण टिकट बुकिंग कराने की सुविधा दे दी। आपको बता दें कि इसके अलावा रेलवे ने आरक्षित टिकट की बुकिंग और रद्द करने की सुविधा पोस्ट ऑफिस और यात्री टिकट सुविधा केंद्र लाइसेंस रखने वालों को भी दे दी गई है। इसके अलावा IRCTC के आधिकारिक एजेंट रेलवे परिसर में यात्री आरक्षण प्रणाली और सामान्य सेवा केंद्रों को भी ऑफलाइन टिकट बुकिंग करने का अधिकार दिया गया है। आपको बता दें कि सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 1 जून से AC स्पेशल और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अलावा 200 ट्रेनों को चलाने की घोषणा की थी। आपको बता दें कि इन ट्रेनों के लिए गुरुवार से बुकिंग शुरू हुई। बिना कंफर्म टिकट इन ट्रेनों में यात्रा की इजाजत नहीं होगी। वह अगली बड़ी खबर, चक्रवाती तूफान अम्फान मचा सकता है भारत में भारी तबाही। पश्चिम बंगाल में 1.6 करोड़ बच्चों पर खतरा, अभी तक 72 लोगों की गई जान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान अम्फान भारत में भारी तबाही मचा सकता है। यूनिसेफ ने आशंका जताई है कि भारत और बांग्लादेश के करीब 1.9 करोड़ बच्चों को तूफान अम्फान नुकसान पहुंचा सकता है। बच्चों के मामले की देखरेख करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने कहा कि तूफान के बाद दोनों देशों के कई हिस्सों में भारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। यूनिसेफ के मुताबिक पश्चिम बंगाल में अकेले 1.6 करोड़ बच्चे तूफान से तबाही की चपेट में आ सकते हैं। उसका कहना है कि तूफान ने भारी तबाही मचाई है और अभी तक भारत में 72 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और इसका असर लाखों बच्चों पर पड़ेगा। दक्षिण एशिया में यूनिसेफ की क्षेत्रीय निदेशक जीन गोफ ने कहा कि हमारी एक चिंता यह भी है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच दोनों देशों में तूफान से मानवीय नुकसान अधिक हो सकता है। तूफान से बचाव के लिए जिन लोगों को विशेष कैंपों में रखा गया है उनके लिए कोरोना की चपेट में आने का ज्यादा खतरा है। उन्होंने कहा कि हम हालातों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। तूफान ग्रस्त इलाकों में रहने वाले परिवारों और उनके बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। यूनिसेफ भारत और बांग्लादेश की सरकारों के साथ मिलकर इस स्थिति से निपटने के लिए लगातार काम कर रहा है। वह अगली बड़ी खबर, जोमेटो और स्विगी ने की शराब की होम डिलीवरी शुरू। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि खानपान ऑर्डर करने और घर पर सामान पहुंचाने की ऑनलाइन सेवाएं देने वाली कंपनी जोमेटो और स्विगी ने रांची में शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी। आपको बता दें कि दोनों कंपनियों ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्य में भी ऑनलाइन ऑर्डर पूरा करने और उसकी होम डिलीवरी के लिए संबंधित राज्य सरकारों से भी बातचीत कर रही है। आपको बता दें कि धीरे धीरे जोमेटो और स्विगी पूरे देश में शराब की होम डिलीवरी करेंगी। आपको बता दें कि जोमेटो और स्विगी ने कहा
कि गुरुवार को यह रांची से शुरू होगी और झारखंड के 7 अन्य शहरों में कुछ ही दिन के भीतर इसका विस्तार कर लिया जाएगा। कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा कि उचित अनुमति और लाइसेंस के साथ हम झारखंड में शराब की होम डिलीवरी शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी के पास प्रौद्योगिकी और ढांचागत सुविधा है, जिससे वह छोटे छोटे गली मोहल्ले भी सामानों की आपूर्ति कर सकते हैं। वह अगली बड़ी खबर बेबस मजदूरों की बसों पर सियासत और तेज। प्रयागराज के कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति को लिखी खून से चिट्ठी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि यूपी में पैदल चल रहे बेबस प्रवासी मजदूरों की बसों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच छिड़ी सियासी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मामले में भेदभाव व उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति से दखल दिए जाने की मांग की है। नेहरू परिवार के पैतृक शहर प्रयागराज के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मसले को लेकर आज राष्ट्रपति को खून से चिट्ठी लिखी है और उनसे इंसाफ की गुहार लगाई है। आनंद भवन के गेट पर इकट्ठा हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहले निडल से अपना खून निकाला और इसके बाद इसी खून से राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। राष्ट्रपति को भेजी गई खून भरी चिट्ठी में कहा गया है कि बीजेपी की सरकारें कोरोना की इमरजेंसी में भी सियासत कर रही है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव व उत्पीड़न कर रही है। दलील यह दी गई है कि प्रवासी मजदूर बेबसी की जिंदगी जी रही है। आपको बता दें कि सैकड़ों किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ रहा है। प्रियंका गांधी ने जब 1000 बसों का इंतजाम किया तो उनका इस्तेमाल करने के बजाय सियासी तीर चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पहले प्रियंका गांधी के निजी सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और फिर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इतना ही नहीं, पीएम केयर फंड के बारे में सवाल उठाने पर कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की गई। खून से लिखे खत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति से गुहार लगाई है कि वह इन मामलों में दखल दें और लोकतंत्र की हत्या होने से बचाएं। राष्ट्रपति से सोनिया गांधी व अजय लल्लू के खिलाफ दर्ज मुकदमे भी रद्द किए जाने की मांग की गई है। वह अगली बड़ी खबर टिकटॉक को पूरे तरीके से बैन करने के समर्थन में उतरे मुकेश खन्ना, कहा ये कोरोना की तरह चाइनीज वायरस। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत में वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक और इसके यूजर्स के लिए फिलहाल अच्छा वक्त नहीं चल रहा। लगातार इस ऐप के खिलाफ मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसको बैन करने की मांग भी लगातार तेज होती जा रही है। अभी तक ट्विटर पर इसके खिलाफ अभियान चल रहा था तो वहीं प्ले स्टोर पर इसकी रेटिंग में भी काफी गिरावट आई है। अब एक्टर मुकेश खन्ना भी इस अभियान में कूद पड़े हैं। इन्होंने इस ऐप को भी चाइनीज वायरस बताते हुए कहा कि इससे भी बचना बेहद जरूरी है। मुकेश खन्ना ने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने इसका बहिष्कार करने की सलाह लोगों को दी। ऐप की रेटिंग कम होने पर बोलते हुए कहा कि कोरोना की बुरी खबरों के बीच एक अच्छी खबर आ रही है कि एक और चाइनीज वायरस जिसका नाम टिकटॉक है वो हमसे दूर ओझल होता जा रहा है। उसकी रेटिंग 4.5 से घटकर 1.2 पर आ गई है। उन्होंने खुशी जताई कि लोग टिकटॉक का बहिष्कार कर रहे हैं। मुकेश खन्ना ने साथ ही कहा कि लोगों को चाइनीज प्रोडक्ट की लिस्ट में सबसे ऊपर टिकटॉक को रखना चाहिए और उसे दूर कर आज के युवाओं को बिगड़ने से बचाना चाहिए। हम आपसे पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या टिकटॉक को बंद कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वह अगली बड़ी खबर, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली जान से मारने की धमकी, लखनऊ में केस दर्ज। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। आपातकालीन नंबर 112 के व्हाट्सएप पर यह धमकी दी गई। व्हाट्सएप के इस धमकी भरे मैसेज में सीएम योगी को एक विशेष समुदाय के लिए खतरा बताया गया है। फिलहाल धमकी देने वाले की पहचान नहीं हुई है। लखनऊ के गोमती नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। प्रवासियों की वापसी से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, इसलिए सीएम योगी फिलहाल उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए रणनीति बनाने में जुटे हैं। वह अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश सरकार ने बदले अपने नियम, अब बस के द्वारा नहीं आएगी किसी भी दुल्हन की बारात। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बारात में दुल्हन के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद 35 बारातियों को पृथकवास कर दिया गया। यह शादी शहर के जाटखेड़ी में 18 मई को हुई थी। मध्य प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को संवाददाताओं को बताया कि इस शादी में अनुमति से अधिक लोग शामिल हुए और वे एक बस के द्वारा आए थे, इसलिए हमने अब फैसला किया है कि शादी समारोह में बसों को अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि अनुमति से ज्यादा लोग शादी में शामिल होते हैं तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शादी में शामिल होने के लिए आज से केवल निजी वाहनों के जरिए ही आने की अनुमति होगी। आपको बता दें कि अब किसी भी दुल्हन की बारात बस के द्वारा नहीं आएगी। शादी में दोनों पक्षों से 25-25 अधिकतम 50 सदस्य शामिल होने की अनुमति दी गई है, परंतु विवाह समारोह नहीं किया जा सकता और ना ही बारात निकाली जा सकती है। आपको बता दें कि यदि ऐसा किया गया
तो आप पर FIR दर्ज होगी। वह अगली बड़ी खबर, मजदूरों और आम आदमियों के लिए बड़ी राहत, 1 जून से गोरखपुर से चलेंगी 8 ट्रेनें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना के बीच रेलवे ने 1 जून से 200 ट्रेनें पूरे देश में चलाने का निर्णय लिया है। इसके लिए रेलवे ने PRS काउंटर टिकट बुकिंग के लिए शुक्रवार से खोलने का निर्णय लिया। गोरखपुर जंक्शन से होकर कुल 12 जोड़ी ट्रेनें गुजरेंगी, जबकि गोरखपुर स्टेशन से 4 जोड़ी यानी कि 8 ट्रेनें चलेंगी। लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में फंसे लोग वापस अपने कार्यस्थल पर जा सकेंगे, लेकिन रेलवे उन्हें कंबल और चादर की सुविधा नहीं देगा। ये ट्रेन पूर्व निर्धारित समय सारणी के हिसाब से विशेष ट्रेन के रूप में ही चलेंगी। वही मौसम अपडेट, स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश जारी रहने का अनुमान है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ और हिस्सों पर हीट वेव का असर दिखाई देगा। तमिलनाडु और हरियाणा में 1-2 स्थानों पर लू चल सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत से कोरोना वायरस जल्द खत्म हो जाए और सभी प्रवासी मजदूर अपने घर आ जाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।